कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते हुए देख गाजियाबाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील करने का आदेश दे दिया है। डीएम के अनुसार गाजियाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के केस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि इस दौरान उन लोगों को एंट्री की इजाजत मिलेगी जिनके पास पास होगा। इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी गाजियाबाद में एंट्री दी जाएगी। आपको बता दें कि गाजियाबाद में कोरोना वायरस के अब तक 230 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से अधिकतर पिछले एक हफ्ते में सामने आए हैं। जिले में अब तक 2 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत भी हो चुकी है। गाजियाबाद से पहले नोएडा ने भी दिल्ली से जुड़े बॉर्डर को बंद ही रहने का आदेश दिया था। दिल्ली की ओर से भले ही बॉर्डर खोल दिए गए हैं, लेकिन नोएडा ने अपने बॉर्डर नहीं खोले हैं। हालांकि गाजियाबाद की तरफ से यहां भी पास वाले लोगों और जरूरी कार्य से जुड़े लोगों को एंट्री दी जा रही है। दरअसल ना सिर्फ गाजियाबाद, नोएडा बल्कि दिल्ली में भी बीते दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल आया है। ऐसे में लॉकडाउन में मिली ढील के कारण लोगों का इधर उधर आना जाना भी शुरू हो गया है। यही कारण है कि अधिक ढील मिलने के साथ ही प्रशासन की ओर से कड़ा रुख बरता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।